नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। मणिपुर में कुकी और मते समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर 3 मई से जारी हिंसा में अब तक 160 लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूज़ एजेंसी ने मंगलवार को आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि दोनों समुदाय के पास अभी भी 3000 हथियार मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हथियारों में 303 राइफलें, मीडियम मशीन गन, AK असॉल्ट राइफलें, कार्बाइन, इंसास लॉइट मशीन गन, M16 और MP5 राइफलें शामिल हैं। इसके अलावा 6 लाख से ज़्यादा बुलेट्स का भी स्टॉक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि मई में समुदाय के कुछ लोगों ने लगभग 4,537 हथियार और 6.32 लाख गोलियां लूटी थी। इन्हें ईस्ट इम्फाल के पोंगई के मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और खाबे इसोई के 7वीं इंडियन रिजर्व बटालियन और 8वीं मणिपुर राइफल से लूटा गया था। अधिकारियों ने बताया कि दोनों समुदाय द्वारा लूटे गए 2,900 हथियार काफ़ी घातक हैं। इसके अलावा आंसू गैस और मिनी फ्लेयर बंदूकें लूटी गई थी। उन्होंने कहा कि लूटे गए हथियार और गोला बारूद मुख्य रूप से घाटी के दंगाइयों के पास हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में दंगाइयों के पास केवल 5.31% हथियार हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।